तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लाइट रूम एप्लीकेशन के बारे में, किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, उसका मतलब एक ट्यूटोरियल वीडियो देना है, और इसका काफ़ी सारे आप मतलब एक फोन के अंदर आप किस तरीके से आप वीडियोज़ को मतलब फोटोज़ को आप एडिट कर सकते हो, तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको शो करने वाला हूँ। मतलब काफ़ी सारे तो जैसे वार्म टोन के अंदर, कूल टोन के अंदर आप फोटोज़ को कैसे एडिट करना है, तो वो वीडियो के अंदर मैं आगे बात करने वाला हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको स्किप कर लेना है, यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, यहाँ पर मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक जो मेरा आईडी उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और जैसे साइन इन कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ये चीज़ें लॉगिन हो जाएगी, जहाँ पर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर थोड़ा लोड होगा और इस टाइप से आपके सामने इंटरेस्टिंग स्ट्राइक करते हैं, फिर उसे कट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको फोटोज़ वगैरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रैलो डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर कोई भी एक इमेज वगैरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, सपोज मैं इस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑल फोटोज़ के ऊपर जाना है यहाँ पर, और इस इमेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे आप उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर स्किप लेसिक बन फोटो ऐड में ओके स्किप, तो यहाँ पर स्किप के ऊपर कर लेना है, यहाँ पर सबसे पहले से ऑटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑटो का ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले आपको इसे ऑटो के ऊपर क्लिक कर लेना है ओके, तो जैसे आप ऑटो के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक टोन आ जाएगा, जहाँ पर आप जो सेकंड ऑप्शन आता है आपको लाइट का, तो आपको एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ पर बढ़ा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पर हाई कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट से होता है क्या जितने भी आपको मतलब कलर्स वगैरह हो गए वो बूस्ट हो जाएंगे आपके मतलब फीचर के अंदर, फिर यहाँ पर हाईलाइट्स वगैरह आपको थोड़े से ज़्यादा कर लेना है, यहाँ पर आपको हाईलाइट्स आपको यहाँ पर थोड़े से कम ही रखने हैं, यहाँ पर जैसे मैं हाईलाइट्स यहाँ पर थोड़े कम रखता हूँ, शेडोज़ वगैरह थोड़े से और डीप शेडोज इससे थोड़े डीप हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ब्लैक्स और मैं आपको थोड़े ब्लैक्स कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ तो यहाँ पर लाइट से कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कर का भी ऑप्शन आता है, तो कर होता है बेसिकली आप वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं, आप सपोज मुझे यहाँ पर इसे एक टोन वगैरह देने का यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे जैसे यहाँ पर आप ब्लैक्स कितने आपको यहाँ पर रखने वगैरह वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसे डन कर लेते हैं कर सकते हैं एक सेकेंड यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप से आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो, फिर इसके बाद यहाँ पर जो कलर का ऑप्शन आता है कलर्स के अंदर जाकर के आपको कुछ टेम्परेचर या फिर टिंट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर वाइब्रेंस सैचुरेशन वगैरह आपको यहाँ पर ऐड करनी होता है आप यहाँ से कर सकते हो, सैचुरेशन के अंदर होता है कि आपके जितने भी मतलब कलर्स वगैरह होंगे वो थोड़े पॉपअप हो जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर वाइब्रेंस का ऑप्शन आता है, वाइब्रेंस आपको थोड़ा कम करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा और यहाँ पर टिंट के अंदर आपको कोई चर्चा नहीं करना, आपको टेम्परेचर आपको किस टाइप का रखना है, जैसे कूल साइड या फिर वार्म साइड आपको यहाँ पर आपको टेम्परेचर रखना है, तो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो यहाँ पर कुछ कलर गेड़े या फिर कुछ मिक्स यहाँ पर कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो उसको भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से कौन से कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर पॉपअप करने वगैरह आप अपने हिसाब से आप उसे अपने मतलब जो भी पिक्चर वगैरह होंगे उसके हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर थोड़ा रेड जो कलर है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका जो सैचुरेशन है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो ताकि वीडियो थोड़ी उसके बाद यहाँ पर डन कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर टेक्सचर वगैरह आप थोड़े सा और क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर टेक्सचर वगैरह यहाँ पर क्लैरिटी वगैरह थोड़ी सी आप इन्हेंस कर सकते हो, ज़्यादा नहीं आपको थोड़ी सी इन्हेंस कर लेनी है, और यहाँ पर डीहेज वगैरह आप कर लेनी, फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेलिंग के ऊपर आने डिटेलिंग के अंदर आप थोड़ी शार्पनिंग वगैरह बढ़ा सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो उसके हिसाब से, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक वगैरह बाकी कोई यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी जो हमारी जो पिछली फोटो इस टाइप की फोटोज थी और कलर ग्रेडिंग करने के बाद कुछ इस टाइप के आप फोटोज़ वगैरह सेव कर सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, यहाँ पर आपको सेव के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको सेव कर लेना कॉपी सेटिंग्स या फिर प्रीसेट भी आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर सेव कर सकते हो आप इमेज को। बात करते हैं और डाउनलोड किस तरीके से करना है एप्लीकेशन को, तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली पिन कमेंट्स के अंदर जाना है, यहाँ पर पिन कमेंट्स के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद बैक करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करके आपको बैक कर लेना है सब्सक्राइब करके, और यहाँ पर अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करते हो, तो कई सारे इसके जो प्रीसेट के लिंक्स वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।